अब हम आंख बंद करके बैठेंगे, इसको हम कहते हैं सुनना सोचना, जो एक्टर का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है कि सुनना और सोचना, उसी के बीच में एक्टिंग होती है। जब हम सुन रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। भाई साहब मैं कश्मीर गया है, कश्मीर से मैंने को कन्याकुमारी निकलना था, अब मैंने बोला इतना ही बोल दो, तो तुम में से किसी ने बोला कि भाई कश्मीर गया, तो इसका मतलब आपने सुना उसको नहीं है, आप जानते हैं कि ये कश्मीर से कश्मीर है। बट क्लैरिटी एक्टर की होनी चाहिए, पर कैरेक्टर की कभी कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो मैं एक चीज बोल रहा था कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं हम उनसे मिलते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल थिंग, हम अपने कॉम्प्लेक्सेस से मिलते हैं, चाहे वो शक्ल सूरत में हो चाहे बोलने में हो, और उनसे मिलने के बाद हमारे को एक आईना दिखता है। तो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो तभी दूर हो सकते हैं जब या तो एक दूसरे को हम बहुत ही ग्रुप में, जब हम थिएटर करते हैं तो हम एक दूसरे को संभाल देते हैं, संभालना इसको दिमाग में रख लो, एक दूसरे को संभाल देते हैं। तो संभालने के ऊपर क्या होता था कि हम एक दूसरे को बता देते थे कि ये है ऐसे बोल वैसे बोल वैसे बोल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए। सावन का महीना पवन करे वो इनोसेंस ही, सावन का महीना आई एम बैड सिंगर, पवन करे शोर मैं हंसता जाता हूं व्हाट आई एम सेइंग। अगर गुस्सा आता है और सामाजिक तौर पे कंट्रोल करना आता है तो वो तुम्हारे अभिनय में अपने आप ही निकलते हैं, जो हमारे अंदर है हम वही अभिनय करते हैं और कुछ नहीं करते। बट आई विल लव यू दिल से, आई सीरियसली लव यू एंड आई विल डाई। जल्दी जल्दी कोई नहीं आ रहा यार, आई लव यू। टोटल एम्बुलेंस, माय गॉड व्हाट अ एम्बुलेंस, वेरी गुड वेरी गुड। इनमें क्या होता है कभी कभी बहुत ह्यूमरस लाइंस होती है ना, तो उसमें हंसी आने लगती है। ये अभय के साथ बहुत हो रहा था, एक सीन के अंदर ना बहुत सीरियस सीन था, मैं पता नहीं तुम्हें याद हो कि नहीं अभय, तो अभय को गुस्सा आता है तो मैं उसे क्या 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 कर रहा है यार, तो लकी यार क्या कर रहा है यार, पागलबंदी मत कर यार, आगे यार हंडा सा गुस्से में आए हुए यार, उनके कोफ्ते हार्ड हो गए थे जब वो रेस्टोरेंट को खा जाते हैं, वो कोफ्ते हार्ड हो गए ठीक है, तो उसको हंसी आ जाती थी, मैं बोलता ही रहता था, अब वो एक टेक हो गया दो टेक हो गया सबको हंसी आ गई, पर तीसरी टेक के बाद शूटिंग का टाइम ज्यादा होता है तो आती थी, लेकिन फिर फाइनली जो है कुछ ऐसा किया गया कि ये वाला शॉट ना लेके ये वाला ले लिया, तो वो मेरे पर ही है यार, लकी क्या कर रहा है यार, लकी पागल मती यार, आगे यार हांडा सा बड़े गुस्से में यार, उनके कोफ्ते हाड़ हो गए यार। तो अभी जैसे आ रही वो आ जाती है, तो उसके ऊपर हम तब आती है जब हम कैरेक्टर से बाहर होते हैं और खुद को देख रहे हैं। हर ह्यूमरस हर फन के पीछे कहीं ना कोई प्रोसेस का एक हिस्सा छुपा है। एक्चुअली हमें सपोर्ट सिस्टम को हटाना चाहिए, तो हम इस समय बात कर रहे हैं शाइनेस पे, शर्मीलेपन, जो एक्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लेकिन एक्टिंग का सबसे बेहतरीन दोस्त बन सकता है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप शाइनेस को बहुत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, पर जब आप मंच पर हैं, जब आप एक सुंदर शब्द, एक एक्टर के लिए आई लव यू से भी बेहतर शब्द होता है एक्शन, तो जब आप एक्शन सुनो तो आपके पास स्पार्क होना चाहिए, और एक सीन करने से भी कतराना मत, पूरा रोल भी आपको ही मिलेगा। अगर एक सीन आपको मिल रहा है तो पूरा भी आपको मिलेगा। एक सीन मुन्ना भाई में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलता है तो वासीपुर भी उसी को मिलती है। मैं किसी रणबीर कपूर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम में से कोई रणबीर कपूर नहीं है। मैं अपना फॉर्मूला दे सकता हूं, मैं और 100% वो फॉर्मूला बहुत खराब है, और तुम सबके पास है वो पावर। अगर तुम पसंद आ गए और तुम्हारे को बोला गया कि कितने पैसे लोगे हैं, तो एक लाइन बोलना, सर जो आप दोगे वो रख लेंगे, पहली बात। ये फॉर्मूला कभी नहीं जिंदगी में हटेगा, शर्तीय फॉर्मूला है, ये शर्तीय, ये उसके दिल तक पहुंच जाती है बात, डायरेक्टर सर जो देना आप देते। आपको यहाँ बैठे बैठे कुछ आइडिया है कि कौन दो बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं? मैं आपको आज बता देता हूँ, एक का नाम है हनीत रेहान, जिन्होंने तलवार की कास्टिंग की है, और कितनी खूबसूरत कास्टिंग की,
और एक का नाम है मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने बासीपुर की बात की और तमाम फिल्मों की।